बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान के जितना बड़ा रुतबा किसी भी अभिनेता का नहीं है। आलम तो यूं है कि सलमान खान के नाम से फिल्में बिक जाती हैं और आराम से 250 से 300 करोड़ रुपए का कारोबार भी कर लेती हैं। अब सलमान खान के इतने बड़े स्टारडम को देखते हुए हर कोई छोटा बड़ा कलाकार उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 30 साल से ज्यादा समय हो गए हैं और 30 साल से अपने ज्यादा शानदार फिल्मी सफर के दौरान सलमान खान ने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। साथ ही उस दौर के कई सारे अभिनेताओं के साथ उन्होंने स्क्रीन भी शेयर किया है। अब इंडस्ट्री में सलमान खान जहां अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हमेशा से चर्चाओं के केंद्र में बने ही रहते हैं, वहीं इंडस्ट्री में कई सारे उनके ऐसे भी झगड़े हुए हैं जिनको लेकर अक्सर वो बदनाम रह चुके हैं और उन्हीं लड़ाइयों में से एक है संजय दत्त के साथ उनका मनमुटाव। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संजय दत्त और सलमान खान की गिनती गहरे दोस्तों में होती है, लेकिन एक ऐसा भी समय आया था जब इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया था। दोनों ने फिल्म साजन और चल मेरे भाई जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया है। दोनों में जो बात एक जैसी है वो है कि दोनों ही काफी गुस्सैल और गुस्सा आने पर आगा पीछा नहीं देखते, लेकिन जब भी संजय दत्त और सलमान खान में किसी बात को लेकर तनातनी हुई, संजू बाबा का पलड़ा ही भारी पड़ा रहा है। एक पार्टी में जब किसी बात को लेकर संजय दत्त और सलमान खान में भिड़ंत हुई तो नाराज संजू बाबा ने सलमान खान को थप्पड़ भी रसीद कर दिया था। अब संजय दत्त और सलमान खान का गुस्से में आमना सामना पहली बार साल 2007 में हुआ था। संजय दत्त उन दिनों मुंबई विस्फोट कांड में कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते काफी परेशान रहते थे। इन्हीं दिनों जब किसी पत्रकार ने सलमान से संजय दत्त के निर्दोष होने के बारे में उनकी राय पूछी तो उन्होंने काफी अटपटा जवाब दिया, जिससे संजय दत्त काफी अपसेट हो गए। कोर्ट में बेल मिलते ही संजय दत्त सीधे सलमान खान के बांद्रा स्थित घर पहुंच गए और उन्हें ललकारने लगे। संयोग से सलमान खान घर पर नहीं थे, इसलिए उनके पिता सलीम खान ने मामले को संभाल लिया। अब संजय दत्त आज भी सलीम खान की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि उनकी सिफारिश पर ही संजय दत्त को नाम जैसी फिल्म मिली थी जिसने उनके करियर को पटरी पर लाने में काफी योगदान दिया था। सलीम खान के कहने पर संजय दत्त वहां से चले गए। बाद में सलमान ने माफी मांगकर इस मामले को क्लोज कर दिया, लेकिन इस घटना के करीब 4 साल बाद एक बार फिर से इन दोनों का आमना सामना हुआ। साल 2011 में मान्यता दत्त के जन्मदिन की पार्टी में सलमान खान बंटी वालिया से उलझ गए, जो संजय दत्त के काफी करीबी दोस्त हैं। इस पार्टी में सलमान और वालिया के बीच बात काफी आगे बढ़ गई। तब मान्यता बीच में आई, लेकिन गुस्से में आग बबूला हुए सलमान खान ने मान्यता को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी जमकर खरी खोटी सुनाने लगे। सलमान की इस हिमाकत से नाराज संजय दत्त ने सलमान खान को जोरदार चाटा रसीद कर दिया था। अब संजय दत्त और सलमान के रिश्तों के बीच इस थप्पड़ की गूंज आज भी सुनी जा सकती है। इस घटना को संजय दत्त की बायोपिक संजू में भी दिखाया गया है, लेकिन काफी फेर बदल करके। बताया जाता है इस घटना के बाद सलमान खान को अकल आ गई थी और वो संजू बाबा से कभी भी ना उलझने की कसम तक खा लिए थे। इसी के साथ ही मौजूदा दौर में इन दोनों सुपरस्टारों के अगर वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो एक तरफ जहां सलमान खान की अभी हाल ही में ईद के मौके पर राधे और मोस्ट वांटेड भाई रिलीज हुई थी, जिस फिल्म को लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। फिल्म के गाने से लेकर फिल्म के एक्टिंग पर सलमान खान को खूब लोगों ने जमकर लताड़ा और उन पर कॉपी करने का आरोप तक लगाया। इस फिल्म के कुछ खास कमाल न कर पाने के कारण सलमान खान की एक बार फिर से किरकिरी हुई। खैर, आने वाले समय में सलमान खान टाइगर 3, किक 2 और कभी कभी दिवाली जैसी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। वहीं दूसरी ओर संजू बाबा की इस साल सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक KGF चैप्टर 2 का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। साउथ की फिल्म में वो अधीरा यानी एक नेगेटिव किरदार में दिखाई देने वाले हैं और उनके इस किरदार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा बेकरार चल रहे हैं।